नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज स्क्वायर। कभी सुना है कि अंधेरों ने सुबह ही न होने दी हो, बस जरूरत है जज्बे की, हिम्मत की, लगन और मेहनत की, फिर आप जो चाहे वो पा सकते हैं। पूर्णा की कहानी सुनेंगे तो यकी भी होगा मेरी बात पर। हाल ही में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिविल सेवा परीक्षा 2019 के नतीजे जारी किए। परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद से ही रोजाना देश की सबसे बड़ी और मुश्किल परीक्षा में सफलता पाने वाले कैंडिडेट की मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने को मिल रही हैं। इन्हीं होनहार उम्मीदवारों में से एक है तमिलनाडु के मदुरई की रहने वाली पूर्णा सुंदरी, जिन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा का 2019 में ऑल इंडिया रैंक 286 हासिल की। लेकिन परीक्षा में यह मुकाम हासिल करना पूर्णा के लिए आसान नहीं था। दृष्टि बाधित होने की वजह से सफलता के इस सफर को तय करना उनके लिए काफी मुश्किल भरा था, लेकिन परिवार की मदद से उन्होंने इस असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। पूर्णा की सफलता के पीछे उनके सेल्स एग्जीक्यूटिव पिता और हाउसवाइफ मां का बड़ा योगदान है। पूर्णा ने बताया कि उनके माता पिता दोनों चाहते थे कि वह आईएएस अफसर बने। अपनी सफलता का श्रेय उन्होंने अपने माता पिता को दिया, हालांकि इसके लिए पूर्णा को काफी लंबा सफर तय करना पड़ा। दरअसल पूर्णा ने चौथे प्रयास में यह परीक्षा क्रैक की है। वह 2016 से ही इस परीक्षा की तैयारी कर रही थी। अपनी मेहनत और लगन से सफलता पाने वाली पूर्णा आज उन सब लोगों के लिए एक मिसाल है जो अपनी कमियों या बार बार मिली असफलता से निराश होकर हार मान लेते हैं। वहीं इस रिजल्ट की बात करें तो परीक्षा में कुल 829 उम्मीदवारों का चयन हुआ, जिसमें प्रदीप सिंह ने ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट हासिल किया। इस साल परीक्षा में 304 जनरल, 78 ईडब्ल्यूएस, 251 ओबीसी, 129 एससी और 67 उम्मीदवार एसटी वर्ग से चयनित किए गए और पूर्णा जैसे कई उम्मीदवारों ने मिसाल कायम की है। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।